अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आज सुबह सुबह ही मैं वीडियो बना रही हूँ। लक्ष्मी घर में बच्चा तभी रेडी हो गया था स्कूल को जाने के लिए। बैग पैक कर रहे थे, पढ़ने बैठे थे दो मिनट नमाज़ पढ़ लेके, स्कूल को बैग पैक कर रहे थे। इधर हाजू पेंटिंग कर रहे थे। हाजू कौन साहिब ठीक है कि छुड़ा को दें फोन में घर को पूछी तो मैंने मम्मा ना पापा बोले को छोटे छोड़े सो मई घर को बोले को बैठे थे दोनों भी। दोनों के बीच देखते रहते हैं इसीलिए मैं क्या कर रही घर को आपको वीडियो बनेंगे घर को वीडियो बनाने बैठी साथ ही साथ इनको बैग पैक कर ले को इन स्केटिंग बोर्ड में ही काम कर ले थोड़े को वापस ले गया था। और तिलक बनाए तो वापस ले गया था आधा बिदा खा के। उसके बाद जैसे ही पूछी तो नूडल्स बनाओ बोलिया था। इसके नूडल्स बनाने के लिए पहले मैं नूडल्स को बॉयल कर ले रही थी। आज थोड़ा टाइम हो गया करके, नहीं तो आधा इसमें पका लेता हूँ आज, है ना कि थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। प्याज वो सब कट कर ली थी क्योंकि दो सौ भी ये कर रहे थे घर को गई सो बाहर। वो भी मोबाइल लेकर वीडियो बना लेते थोड़े लिए फिर आके जल्दी जल्दी नूडल्स बना रही थी। प्याज भी सब कट हो गया था, साथ ही साथ चाय भी रख रही थी, चाय भी बन गई थी। हमारी गोल्ड बिस्किट नहीं करती इसीलिए क्रैक चेक कर रही थी। सुबह ही रोकते ही चाय होना, चाय में तो दीनी ने दोनों को स्कूलों को छोड़ करके कचरा पूरा साफ कर दी थी। कचरा पूरा झाड़ के बाहर का भी आज सुबह से नहीं झड़ी कचरा। जी सुबह को लेट होगा बच्चों को घर को, सुबह को नहीं झड़ी थी, अभी झाड़ेंगे घर को, घर का साफ करके बाहर का झाड़ रही थी। बाहर का झाड़ के देखने इतना पाक दिखता और मट्टी दिखे तो उतनी चाहती पड़ी। बाजू के झाड़ा में फूला छुटते हैं इतने प्यारे रहते हैं और सामने वाले अंकल उनका वो बगीचा इतना क्लीन करते हैं। इतने बार काम को आती हूँ आदमियाँ भाई कहाँ काम करने, इतना क्लीन करते हैं दवाएँ तो इतने मारते हैं इतना रहते हैं उसमें कचरा नहीं कर को ऐसे इतना। और हमको शुक्र है झाड़ा में के पत्ते नहीं गिर रहे झाड़ी। एक एक सीज़न में कि नहीं गिरती हैं तो उसको तीन बार झड़े तो भी हो कौन तो गया तो इतना गंदा है आंगन घर को दो दिन नहीं गिरती। झाड़ में इसके शाम सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस रात रात के करीबन 7:30 बज रहे हैं। अभी जा रहे थे राशन लेने के लिए, घर में थोड़ा सा बचा था राशन इसलिए वही लाने के लिए जा रहे थे। अभी सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, अंधेरा है इसलिए आप सबको कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी मैंने फ्लैश ऑन करके चलिए निकलते हैं सीधा घर। बाय पापा चलिए। रिलायंस पहुंच गए, देखिए फ्रेंड्स कितना सारा क्यू है, बहुत सारा क्यू है फ्रेंड्स। और हाजू देखिए फ्रेंड्स इधर एक्साइटेड है जाने के लिए, पापा और मम्मा भी इधर है। और चलिए देखते हैं कुछ भी लेने का तो नहीं है सखी, रेशन कर को बोली ना तुम्हें रेशन नहीं। पापा को कुछ शेविंग क्रीम होना था वो भी थोड़ा ये लेने के लिए, वो भी रेशन में कंसिडर होता सो इसमें नहीं कंसिडेंस होता। देखो फ्रेंड्स पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है, लोग सामने सामने गाड़ी खड़ा रहे। और मैं रिलायंस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आता हूँ, दोजन भी तो मैं कमेंट बाद में फ्रेंड्स को दूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ रिलायंस के लिए आता हूँ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो है आइसक्रीम। तो देखिए फ्रेंड्स सेंटर होता है क्रिसमस ट्री क्रिसमस
थोड़े थोड़े चीज़ें होना था उनको नूडल्स से वो बिस्किट्स खाली हो गए थे, वो लेकर आना है थे वो टीचर आ रहा बोलते घर से चलिए हम क्रिसमस का ऑफर चल रहे थे, क्रिसमस के फ्रेंड्स बिस्किट्स की जगह। तो फ्रेंड्स अगर आप दान जगह से बिलोंग करते हैं तो इस रिलायंस स्मार्ट के लिए ज़रूर आइएगा क्योंकि हम बहुत अच्छा है। बिस्किट्स को बाय वन गेट वन स्टोले बोले तो नहीं सुनते थे जो जब भी रात में इतना दर्द स्टार्ट हो गया इसीलिए बाहर आ गए। कार खोलो वो देखिए खाले को आ गए थे। चलिए फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।